ऐसा रूप बनाया भगवान ने, माथे तिलक लगा के छापा, छोर मुकुट बांध लो स्वापा, जैसे आ गओ होए बुढ़ापा। सो जटा रखा ले भारी जू तो बने गए वेद बिहारी जू। टांगी दोई कंदन पे झोली, एक में चूरन एक में गोली, बोलन लगे बनावटी बोली। भाई कारी में पहला कार्यक्रम किया था, कम से कम 17-18 साल हुए जी बैठे इन्होंने करवाया था, और खिन्नी के मंदिर लो। हाँ हाँ, ऐसी जनता बैठी थी, मन ने एक साण छोड़ो तुम वहां से बम को वो छाती पसंजा टूट गई थी कसुन की। अब भगवान देखो वेद बन के जा रहे हैं, दवाई की पेटी कैसी चपाई उन्होंने, टांगी दोई कंदन पे झोली, एक में चूरन एक में गोली, बोलन लगे बनावटी बोली। बोले सो ले लो दवा हमारी जू, और बने गए वेद बिहारी। दवाई ले जाओ जी, ये जो रोग हो वो पूछन लगे गांव के वैद्य जी काय काय की दवाई लाए। आप लोग बैठ जाओ भाई साहब, इधर खड़े हो रहे, फिर भिड़ने लगे और ज्यादा बैठ जाओ, बहुत जगह पड़ी तरफ भी पीछे भी। बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। क्या क्या दवाई बेचते हो वैद्य जी? तो वैद्य जी बता रहे हैं, अरे मूड़ पिरावे जी उम छावे, या फिर रात की नींद न आवे, और एक खुराक हमारी खावे। और चिंता ना करो, ये कार्यक्रम आप YouTube पे भी देख सकेंगे, आप इससे निश्चिंत रहिएगा। आओ, 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 लिख के दे खबर करा दू तेना, फिर तो हम बना दे मोटी मोटी लिख के दे दू, भूल जाए।
बोले अरे मूल पिरावे जी उमछावे या फिर रात के नींद ले आ हम तो जाना थे राम सिंह जी यादव कंट्रोल वाले अच्छा कंट्रोल वाले हैं राम सिंह जी यादव हमारे सबसे पुराने मित्र कारी के सबसे पहले इन्होंने बुलाया था रिकॉर्डिंग कराने भी ये गए थे आप 501 रुपए दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आगे की पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं नीली कुर्सियों पे सब 500 देंगे ना ठीक है ना राम सिंह ने शुरुआत कर दी है तुम मेरे तुम ना बैठियो नहीं तो तुम लोग कहां से करे इतने क्यों मूल पुरावे जी उम छावे या फिर रात की नींद न आवे एक खुराक हमारी खावे अगर खुराक खाएगा तो दूर हुए बीमारी जू ओ बन गए बेद बिहारी हेलो नमस्कार मान्यवर